सलमान खान से डरा बॉलीवुड, कोई नहीं करना चाहता उनकी फिल्म से क्लैश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज़। 2019 में बहुत सारी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, जिनमें हम बात करें सुपर 30, मणिकर्णिका, मिशन मंगल, बाटला हाउस, ब्रह्मास्त्रा, भारत और भी कई सारी फिल्में। लेकिन बता दूं कि अगले 7 फिल्मों के साथ साथ हमें जबरदस्त क्लैश भी देखने को मिलेंगे। हर त्यौहार पर बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, चाहे हम बात करें रिपब्लिक डे से लेकर क्रिसमस तक, या रिपब्लिक डे पर सुपर 30 मणिकर्णिका 2 एक साथ रिलीज होगी, जो कि दोनों फिल्म एक बहुत बड़े स्तर पर रिलीज होने वाली है। चाहे बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त के दिन भी मिशन मंगल और बाटला हाउस दोनों एक साथ रिलीज होगी। दिवाली पर भी क्लैश है, गांधी जयंती के दिन भी हमें क्लैश देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि क्रिसमस के दिन भी 2 बड़ी फिल्म एक साथ आएगी। पहली तो है ब्रह्मास्त्र और दूसरी है गुलशन कुमार की बायोपिक। इससे पहले क्रिसमस पर दबंग 3 को भी लेकर खबरें आई थी, लेकिन अभी तक ये फिल्मों को लेकर कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं किया। इससे तो एक बात साफ है कि अगले साल हर बड़े त्यौहार पर एक साथ 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। लेकिन हम बात करें ईद की, तो ईद एक ऐसा त्यौहार है जहां पर सिर्फ सलमान खान की ही फिल्म रिलीज होने वाली है, और वो है भारत। यानी कि बॉलीवुड का कोई भी एक्टर सलमान खान से बॉक्स ऑफिस पर टकराना नहीं चाहता, तभी वो ईद पर सलमान खान के साथ कोई फिल्में रिलीज नहीं करते। और उनको अच्छे से पता है कि अगर सलमान खान के साथ हमारी फिल्में आएगी तो शायद बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म पीट जाए। यानी कि सलमान खान के सामने बॉलीवुड का हर एक्टर फिल्म रिलीज करने में डरता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि सलमान खान के सामने किसी एक्टर को फिल्म रिलीज करनी चाहिए या नहीं? और आप 2019 में किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की खबरें के लिए एफएसटार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।